आवाज की ये खास रिपोर्ट हम लेकर आए हैं शादीशुदा महिलाओं के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय महिलाएं अक्सर अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। जी हाँ, शादी के बाद सिंदूर भरने का एक अलग ही महत्व होता है। दरअसल सुहाग की निशानी माना जाता है सिंदूर। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी के वक्त पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, जिसके बाद शादीशुदा महिला हमेशा ही मांग में सिंदूर लगाती हैं। ये परंपरा लंबे समय से शुरुआत से ही चली आ रही है। ऐसे में महिला मांग में सिंदूर भरती हैं और उन्हें सुहागन माना जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आखिरकार मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि देवी पार्वती अपने पति शिवजी को बुरी नजर से बचाने के लिए सिंदूर लगाया करती थी। माता सीता भी भगवान श्री राम की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाया करती थी। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 स्थानों पर वास है, जिसमें से एक स्थान सिर भी है। और यही कारण है कि विवाहित महिलाएं मांग में माता का प्रिय सिंदूर लगाती हैं। उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि भी बनी रहे। ऐसे में ये लाल रंग का सिंदूर तो होता ही है। वहीं आपको बता दें कि औरतों की खुशियां, ताकत, सुंदरता और स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा होता है। बता दें आपको कि शादीशुदा महिलाओं की पहचान वाले ये सिंदूर किसी की सेहत, समृद्धि और पति की लंबी उम्र की निशानी के लिए होता है। लेकिन आज के दौर में लोग इसे फैशन स्टेटमेंट भी बना चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए सिंदूर की, तो ये लाल और पीले रंग का भी होता है। सिंदूर दो तरह का होता है, लाल और पीला। बता दें आपको कि माता सती और पार्वती की शक्ति और ऊर्जा लाल रंग से जानी जाती है, इसीलिए महिलाएं ज्यादातर लाल रंग का सिंदूर पसंद करती हैं और लगाती हैं। कुछ जगहों पर पीला सिंदूर लगाने की परंपरा भी है, जैसे कि छठ पूजा के लिए भी पीले रंग के सिंदूर का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सिंदूर के महत्व की और इसका सेहत से क्या कनेक्शन है। सिंदूर का संबंध सिर्फ पौराणिक कथाओं से नहीं बल्कि वास्तु से ही है, और सिंदूर का गहरा कनेक्शन सेहत से भी है। महिलाएं जहां सिंदूर लगाती हैं, वहां पर अधमी, ब्रह्मांड, कोमल स्थान के ठीक ऊपर होता है। सिंदूर में मौजूद जो तत्व होते हैं, वो शरीर में मौजूद वैद्युतिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल, तनाव, अनिद्रा दूर भाग जाती है और चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं पड़ती हैं। ऐसे में सिंथेटिक सिंदूर ज्यादातर मिलता है, जिसमें शीशा, पारा, सिंथेटिक डाई और सल्फेट होता है, जिससे कि हेयर फॉल के अलावा त्वचा में जलन और कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में आप इस सिंदूर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें और जब भी आप सिंदूर खरीदें तो बहुत अच्छे से देख कर ही खरीदें। वहीं आपको बताते हैं इसके महत्व के बारे में। बता दें कि महिलाएं हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बिना नहाए सिंदूर कभी नहीं लगाएं। दूसरी महिलाओं का सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपना सिंदूर कभी किसी औरत को देना चाहिए, इससे पति का प्यार बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, डिब्बी में भर कर सिंदूर यूज करती हैं जो महिलाएं, लेकिन जमीन पर जब सिंदूर गिर जाता है तो उसे डिब्बी में भरकर यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अपशगुन होता है। सिंदूर अगर जमीन पर गिर जाए तो अपवित्र हो जाता है और उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाना चाहिए। और हमेशा इस बात का भी ख्याल रखें कि सिंदूर पुनः शादी के समय मिला है, उसी को कुछ दिनों तक लगाएं और उस सिंदूर को संभाल कर रखें। तो दर्शकों, ये थे वो रीजंस जिसकी वजह से महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, और हर शादीशुदा महिला के लिए सिंदूर के अपने अलग मायने होते हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से। प्रांशी की रिपोर्ट।